मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के ग्राम आंबा और खेरी सिलगना में हो रहे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं से वीसी के माध्यम से विचार साझा कर सबके मंगल कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के वाटर विजन पार्क में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ आम, बरगद, जामुन, आंवला और इमली के पौधे लगाए। सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास के काम और नवाचार करते हुए विकास यात्राएं निरंतर आगे बढ़ रही है। विकास यात्राओं में अब तक 20,606 कार्यों का लोकार्पण व 15,457 भूमि पूजन हुए हैं। सीएम श्री चौहान ने कहा है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अनेक कार्यक्रम होंगे। उज्जैन में नागरिकों द्वारा 21 लाख दीप जलाए जाएंगे। अवंतिका नगरी की छटा अद्भुत होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि श्योपुर जिले में स्थित कुन्नू नेशनल पार्क में 18 फरवरी को 12 चीते छोड़े जाएंगे। वहीं पूर्व में छोड़े गए चीते स्वस्थ हैं। मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने जावत की ग्राम पंचायत तुम्बा में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। उज्जैन दक्षिण विधानसभा में मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास यात्रा के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी के ग्राम गणेश खेड़ा में हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण कर विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मंदसौर के सुवासरा में मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने विकास यात्रा के ग्राम मकड़ावन एवं जूना पानी में संवाद किया और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने शुजालपुर के ग्राम चौकी नसीराबाद में ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुना और निराकरण के निर्देश दिए।